नमस्ते, मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का विषय है कई लोग क्या कहते हैं, हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते हम स्ट्रेट बैठे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं। हम स्ट्रेट कैसे बैठे रहे, 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, हमारा जो स्ट्रेट जो रीढ़ की हड्डी है वो बेंड हो जाता है। आप कुछ बताइए जिससे हमें बैठने की प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके, हम ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देर कर सके। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्चर में बैठे रहो या एक ही पोस्चर में जैसे सब ध्यान करते इस तरह से या इस तरह से, जरूरी नहीं है। आप उसके और भी तरीके जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहे। तो एक तो हमारा आप सब जानते हैं जो ध्यान करने वाले हैं इस तरह से करते हैं, एक इस तरह से करते हैं, और मैं एक और टेक्निक, क्योंकि एक बच्चे ने, 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि मैम मैं करते करते एकदम से बेंड हो जाता हूँ, आप मुझे बताइए कि कैसे ऐसे करूं कि मैं काफ़ी देर बैठ सकूं स्ट्रेट पोजीशन में, क्योंकि ये और ये हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से, इस तरह होने से क्या है, ध्यान में बहुत इजीली हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। आपको टेक्निक मैंने वैसे पहले वीडियोस में बता रखा है कि किस तरीके से आपको पाँव और हैंड के क्लैपिंग करके आपको अवेक अपने आप को वार्म अप करना है, उसके बाद फिर हमें ध्यान पर बैठना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह बैठ रहे हैं आप, इस तरह बैठ रहे हैं, इस तरह अगर नहीं बैठ पा रहे कोई बात नहीं, आप इस तरह बैठ सकते। देखिए इस तरह बैठने से क्या हुआ, हमारा ये चीज़ स्ट्रेट हो गया। आप चाहो तो भी ऐसे बैठोगे तो थक जाओगे, तो ऐसे बैठने की अगर प्रैक्टिस कर लो आप तो इसमें भी ध्यान आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपको बैठना तो है ही, पहले बैठ के करना। आप देखिए आराम से जो भी है, जो भी थॉट्स आपके हैं, कुछ भी चीज़, आप इस तरह से बैठ जाइए, इस लेग को करिए चाहे आप इस लेग को करिए, आप आराम से करके पहले आप इस तरह से बैठिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कीजिए, तभी हम ध्यान में उतर सकते हैं। ध्यान, क्योंकि कहा जाता है ना कि पहले बैठना है, सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा बैठना, बैठ के फिर यम और नियम का करना। लेकिन हम जब तक बैठेंगे नहीं और सही पोजीशन उसकी नहीं होगी तो हम ध्यान कैसे करेंगे। ध्यान करने के लिए सबसे पहले मैं कह रही हूँ आप बैठिए, और एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, करने से पहले वार्म अप अपने आप को जरूर करिए ताकि हमारे जो थॉट्स हैं वो इधर या उधर ना जाए। और इस तरह करेंगे तो आप खुद फील करेंगे, मेरे साथ आप करके भी देख सकते हैं, इस वीडियो को बार बार आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप खुद बैठेंगे इस तरह से बैठ के करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, आराम से आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करना आपको आ जाएगा। इस तरह से जिसने करने बैठ गए या सीख गए तो आप आराम से कर लेंगे। और एक चीज़ और बताओ, कभी कभी हम एक ही एक्सरसाइज करते करते बोर हो जाते हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं, चाहे हम 15 दिन या 20 दिन बाद एक एक्सरसाइज करते करते कई बार बोर हो जाते हैं तो हम, क्योंकि हमारे इंडिया बहुत योग में बहुत सारे योगाएँ हैं, आप वो कर लीजिए, क्योंकि हमारे यम नियम आसन प्राणायाम में योग भी आता है। तो योग पे एक करते करते बोर हो जाते हैं, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता कीजिए, जब बोर हो जाए या उसमें कुछ ना दिखे तो चेंज करिए। आप इससे बैठ के भी आप देखिए, पोस्चर इसमें भी बहुत अच्छे है, इसमें मुझे घंटों बोलो मैं घंटों बैठ जाती हूँ। ये मैंने आजमाया भी है, और पहले जो 2-3 बच्चे हैं उन्होंने बोला कि मैम हम बैठ नहीं पाते हैं, तो मैंने कहा ऐसा क्या किया जाए, जिससे वो कहते हैं सिंपली मैम हम ऐसे बैठते हैं, बैठे 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 सोचते सोच जो हमारी थॉट्स आती है थॉट्स को हम हटाते हैं, लेकिन ध्यान करते 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 एकदम से ऐसे हो जाते हैं। तो आप इस तरह करिए, आपको बैठना आ जाएगा, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करना आ जाएगा, और ये ध्यान की विधि बहुत आसान हो जाएगा। आप करिए इसको, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।